दिल्ली के आबकारी नीति मामले से जुड़े घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीबीआई मामले में मिली जमानत के बाद अब जल्द ही सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। यह आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा चुनाव से पहले बड़ी राहत है। आइए जानते हैं, लिखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से संबंधित किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि ईडी मामले में जितने भी नियम बनाए गए थे वो इस बार भी जमानत में लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि वह ऑफिस या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और किसी भी ऑफिशियल फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। खास बात यह है कि सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने से चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की कोशिशों को और धार मिलेगी और केजरीवाल हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही आते हैं। उनका जन्म भिवानी जिले के सिवनी में हुआ था। ऐसे में उनका जेल से बाहर आना सिंपैथी वोट्स इकट्ठा कर सकता है। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उनसे 10 दिन तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और सीएम जेल से बाहर आ गए थे।